विचार की मांग कर रहा है। बैरवा समाज ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने सूबे की सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, लेकिन बैरवा समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से अब इस समाज के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बैरवा समाज के नेताओं ने करौली धौलपुर सीट पर टिकट पर फिर से विचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही बैरवा समाज ने 7 अप्रैल तक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पुनर्विचार करके बैरवा समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा फिर पूरे 17 जिलों के अंदर बैरवा समुदाय को कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा, उसके लिए पार्टी को तैयार रहना पड़ेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी ने बैरवा को टिकट नहीं दे करके बैरवा विरोधी कांग्रेस मानी जा रही है पूरे राजस्थान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में सब जगह विरोध है। यदि कांग्रेस पार्टी ने पुनर्विचार नहीं किया धौलपुर करौली पर तो बैरवा समाज पूरे राजस्थान में निर्णय लेकर के कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होके और कांग्रेस का विरोध करेंगे। उधर मंत्री ममता भूपेश ने भी बैरवा समाज की मांग को जायज ठहराया, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी का फैसला सर्वमान्य है, पार्टी ने सोच विचार कर ही टिकट दिया होगा। आला कमान का कई स्तरों के ऊपर छानबीन करके ये टिकट का वितरण रहा है, हालांकि उनकी मांग रखना जायज है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी सोच विचार करके टिकट दिया गया, तो मैं इसके बारे में हमारे नेताओं ने जो निर्णय किया पार्टी हित में किया होगा। बैरवा समाज 7 अप्रैल तक पार्टी के रुख का इंतजार करेगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस ने बैरवा समाज की मांग पर पुनर्विचार नहीं किया है, ऐसे में अगर 7% आबादी को पार्टी ने नजरअंदाज किया तो उसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर।